नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने सर्वनाम चैप्टर के बारे में पढ़ा और समझा, तो आज हम उसी चैप्टर के अभ्यास कार्य को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने अभ्यास कार्य से। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमने पिछली बार पढ़ा था कि सर्वनाम क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा था संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का क्या मतलब है? सर्वनाम का मतलब है सबका नाम। और ये भी बात हमने समझी और पढ़ी थी कि सर्वनाम शब्दों की भी वचन बदलते हैं, जिस तरह संज्ञा शब्दों के एक वचन बहुवचन होते हैं, उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। हमारा पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो कै पार्ट, इनमें से कौन सा सर्वनाम बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है? मैं, तुम या हम? तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम का हमने चैप्टर में एक वचन और बहुवचन दोनों पढ़े थे, तो यहाँ पे हमारे सामने तीन ऑप्शन है, मैं, तुम, हम। तो पाठ के आधार पे जो हमारा राइट आंसर है वो है हम। हम शब्द बहुवचन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन से सर्वनाम का प्रयोग एक वचन में होता है? हमारे पास तीन ऑप्शन है, ये, वे, वह। हमें बताना है कि इन तीनों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका प्रयोग एक वचन में होता है। तो बच्चों, जैसा कि हमने चैप्टर पढ़ा था, ये और वे दोनों बहुवचन में इनका प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तो हमारा राइट आंसर है वह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए हम इन तीनों में से किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं? कोई, क्या या ये? तो बच्चों, हमारा राइट ऑप्शन है क्या। हम सर्वनाम का प्रयोग जो प्रश्न पूछने के लिए करते हैं वो है क्या। तो बच्चों, ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हुए। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और हमारा सेकंड प्रश्न है, वाक्यों को पढ़कर बताइए कि मोटे छपे सर्वनाम शब्द किस संज्ञा के लिए प्रयोग किए गए हैं, यानी कि जो काले रंग में मोटे छपे हुए शब्द दिखाई दे रहे हैं, आपको बताना है कि वो किस संज्ञा के लिए प्रयोग किए गए हैं। जैसे आप पहला उदाहरण देख सकते हैं कि ये एक राजा था, वह बहुत दयालु था। तो यहाँ पे जो काले रंग में आपको दिखाई दे रहा है वह, ये किस संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ है? तो देखिए, यहाँ पे उत्तर दिया गया है समझाने के लिए, राजा के लिए, क्योंकि हमने राजा के बारे में बात की, तो ये जो वह सर्वनाम शब्द है ये राजा के लिए प्रयोग किया गया, तो यही हमें यहाँ पे समझना है। खै पाठ देखिए, इसी के आधार पे हम अगला वाक्य हल करेंगे। रोहन अच्छा चित्र बनाता है, उसके पिताजी चित्रकार हैं। उसके पिताजी चित्रकार हैं, तो यहाँ पे उसके जो सर्वनाम शब्द है ये किस संज्ञा के लिए प्रयोग हुआ है? तो बच्चों देख सकते हैं आप, रोहन के बारे में बात हो रही थी, तो रोहन संज्ञा है और उसी के बारे में बताया गया कि उसके पिताजी चित्रकार है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रोहन के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए गैप आर्ट, रमेश स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। तो यहाँ पे उसकी जो सर्वनाम शब्द है ये किस संज्ञा के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर हमारा होगा रमेश के लिए, क्योंकि रमेश स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, तो उसके शब्द यहाँ पे रमेश संज्ञा के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला हल करेंगे। रोहन, तुम बहुत शरारती हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तुम जो कि ब्लैक कलर में यहाँ पे शोर है,
कि तुम किस संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये रोहन के लिए, रोहन के लिए प्रयोग किया गया है। और हमारा आखिरी वाक्य है, पापा आज आप देर से आए। तो यहाँ पे आप शब्द किस सर्वनाम के लिए प्रयोग किया गया है, सॉरी किस संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा पापा के लिए। ये सर्वनाम शब्द पापा जो कि संज्ञा है के लिए प्रयोग किया गया है। तो बच्चों यहाँ पे हमने वाक्य को पढ़कर ये समझा कि किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के लिए हुआ है। तो आगे का अभ्यास करें हम अपने अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।